जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका जिक्र भी ज़्यादा करता है और उसके तरीके भी ज़्यादा चलता है। बेशक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर कितने तीर के निशान थे जब आप मैदान कारज़ार में गए, ज़ख्मों से चूर चूर थे, लेकिन जब वक्त जुमा आ गया वक्त तो आपने उस वक्त भी नमाज जुमा अदा की, शिमर को बर्दाश्त नहीं हुआ और जब आप सजदे में गए तो आपके सर को उन्होंने मतलब यानी कि हमला करके शहीद कर दिया। तो हम इमाम अली मकाम के मानने वाले ये सोचें कि यार इमाम ने तो उस तपती रेत पर मैदान कर्ब व बला में जो है नमाज जुम्मा जो है उसको भी नहीं छोड़ा जबकि जिस्म से खून बेताशा बह रहा था और न जाने कितने जख्म लग चुके थे और पीछे पूरा का पूरा कुंबा शहीद हो चुका था, समझे, पाक बीबियाँ पीछे अकेली रह गई थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा कोई बचा नहीं था। कितना अजीब व गरीब वक्त होगा, लेकिन उस वक्त भी इमाम की जो है नमाज की मोहब्बत नहीं गई और फिर जब इमाम के सर अकदस को जो है नेज़े पर रखा गया तो उस वक्त इमाम कुरान पढ़ रहे थे, दुनिया ने उनके कुरान को सुना। तो क्या है, क्या ये तरीका है हमारा कि हम नमाज़ें कज़ा कर दें, हम कुरान से दूर हो जाएं और हम दावा करें हम इमाम अली मकाम से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत तो ये होती है ना कि इत्तिबा की जाए, उनके नक्श कदम में चला जाए, इसका नाम मोहब्बत है। अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए।